Hello everyone, welcome in our class. Today in our class we will discuss about Mother's Day. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मदर्स डे के बारे में. मदर्स डे मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड संडे ऑफ मे एंड हेंस देर इज नो फिक्स्ड डेट. मदर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मदर्स डे साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है मई के महीने में, जो सेकेंड संडे होता है उस दिन. इसीलिए इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है. मई का सेकेंड संडे जिस डेट को होता है उसी दिन मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. दिस ईयर इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 9th मई. इस साल ये 9th मई को सेलिब्रेट किया जाए, यानी कि 2021 में ये 9th मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है. मदर्स डे इज़ अ स्पेशल डे डेडिकेटेड टू मदरहुड. मदर्स डे एक स्पेशल डे है जो मदरहुड को डेडिकेटेड है पूरे वर्ल्ड में. यानी कि एक ऐसा डे है, मदर्स डे एक ऐसा डे है कि ये डे डेडिकेटेड है मदरहुड को. जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी मदर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये एक डे है. वैसे तो हर दिन ही मदर्स डे होना चाहिए, क्योंकि हमारी मदर्स हमारे लिए जब तक हैं हमारे साथ, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं हमारे भले के लिए. तो हमें उनको वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर रोज़ ही देना चाहिए. पर ये एक डे उनको डेडिकेट किया गया है वर्ल्ड वाइड मदर्स डे के रूप में. एना जार्विस वॉज द फाउंडर ऑफ मदर्स डे. एना जार्विस जो थी, एना जार्विस नाम की गर्ल जो थी, वुमेन जो थी, वो इस डे की फाउंडर थी. मदर्स डे को उन्होंने ही सेलिब्रेट करना शुरू किया था. इसके पीछे ये बच्चों एक स्टोरी है. स्टोरी ये है कि एना जार्विस अपनी मदर से बहुत प्यार करती थी, बहुत. एना जार्विस की मदर जो थी, जब वो उनकी मदर जो थी वो चाहती थी कि एक डे ऐसा हो वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया में एक डे ऐसा सेलिब्रेट किया जाए जो मदर्स को डेडिकेटेड हो, मदर्स के लिए हो. ऐसा उनका एक सपना था, उनकी विश थी. लेकिन वो वक्त से पहले उनकी डेथ हो गई, एना जार्विस की मदर की. तो अपनी मदर के इसी सपने को पूरा करने के लिए एना जार्विस ने उस पर काम करना शुरू किया कि वो अपनी मदर का ये सपना पूरा करेंगी. और उन्होंने ये सपना पूरा किया कि वर्ल्ड वाइड मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. हर प्रपोजल टू सेलिब्रेट मदर्स डे वॉज एक्सेप्टेड बाई यूनाइटेड स्टेट्स इन 1911. बट यू नो वॉट, क्या आप लोगों को पता है कोई भी डे ऐसे ही स्पेशल डे नहीं बन जाता है. तो ऐसा ही हुआ था जब एना जार्विस ने ये सपना, ये मन बनाया कि वो अपनी मदर का सपना पूरा करेंगी, वर्ल्ड वाइड एक ऐसा डे सेलिब्रेट किया जाएगा जो मदर्स के लिए डेडिकेटेड हो. तो उन्होंने ये प्रपोज़ल रखा. जब वो कहाँ की रहने वाली थी, वो US की रहने वाली थी. तो उन्होंने ये प्रपोज़ल वहाँ की गवर्नमेंट के सामने रखा. और 1911 में यूनाइटेड स्टेट ने उनका ये प्रपोज़ल कि एक डे जो है स्पेशल, वो डे मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, इस प्रपोज़ल को यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट जो कंट्री थी वहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था. और धीरे धीरे करके वर्ल्ड वाइड ये सेलिब्रेट होना शुरू हो गया कि मई के सेकेंड संडे जो है वो मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा. तो आज मदर्स डे के मौके पर एक छोटी सी कविता है जो मैं यहाँ पे गाने जा रही हूँ. तो आप लोग मेरे साथ साथ इस कविता को ज़रूर गुनगुनाइएगा. माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है. दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है. माँ को नाराज़ करना इंसान तेरी भूल है. माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है. तो आज मदर्स डे के मौके पर आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से, हम सभी की मदर्स को अ वेरी हैप्पी मदर्स डे.